भाई बहन के अटूट प्यार और एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प का पर्व है रक्षाबंधन। भाई बहन के प्यार का ये त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल और अन्य कई देश भी मनाने लगे हैं, मगर अब हमारे ही देश में ये त्यौहार दिखावे और ढकोसलों की बलि चढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं TripleDotCom। एक तरफ जहां हिंदू संस्कृति में रक्षाबंधन अर्थात राखी अर्थात रक्षा सूत्र एक वचन हुआ करता था, वहीं अब इस रक्षा सूत्र की कीमत भी एक रेशम की डोरी से ज्यादा नहीं रह गई है। इस त्यौहार को भी अपने स्वार्थ और PR के लिए अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। मैं सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की बात नहीं कर रही, बल्कि समाज और राजनीति में इसका जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब राखी के आते ही नेता अपने क्षेत्र की सैकड़ों बच्चियों और महिलाओं से राखियां बंधवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी इस तरह की तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। उन नेताओं को भले ही अपनी बहनों का नाम तक नहीं पता, मगर सोशल साइट पर अपलोड करने के लिए और अपना PR बढ़ाने के लिए नेता और मंत्री इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करते हैं। हमें इस बात पर जरा भी आपत्ति नहीं कि वो राखी क्यों बंधवाते हैं, मगर प्रश्न तो यह है कि क्या वह रक्षा सूत्र बंधवा कर दिए जाने वाला अपना वचन निभाते हैं? लंबी लंबी कतारों में लगकर जो बच्चियां या महिलाएं इन्हें राखी बांधती हैं, उन्हें सेल्फी या ऑटोग्राफ देने के बजाय क्या ये नेता रक्षा का वचन नहीं दे सकते? क्या उन्हें ये शिक्षा का वचन नहीं दे सकते? हमारे देश में लगातार बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, महिलाओं पर होने वाले अपराधों में भारत नंबर 1 है, तो क्या ये बड़े बड़े रसूखदार भाई अपनी बहनों के लिए एक सुरक्षित और रहने लायक राष्ट्र और समाज का निर्माण का प्रण नहीं ले सकते? किसी भी भाई का सबसे बड़ा फर्ज क्या होता है? बहन की रक्षा। इस रक्षा बंधन पर क्यों ना हर पुरुष वचन दे अपनी बहन के लिए एक सुरक्षित समाज और देश बनाने की पहल जरूर करेगा, और इसकी शुरुआत क्यों ना आपके क्षेत्र के नेता या मंत्री से हो।